अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद और शायद के बगैर रगले जी आया नूँ। दोस्तों, मुझे लगता था कि हमारे ये पड़ोसी जो हैं दुनिया की सबसे मतलब मासूम कौम है, मुझे ये लगता था। लेकिन अब जाके ये रियलाइज़ हुआ है कि यार मैं गलत था, ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी जाहिल भी आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी पागल कौम है। मतलब यार, कोई ऐसा मुल्क जो ख़ुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी सबसे बड़ी जमहूरियत कहता हो, जैसे अपने शूर वीरों पे मतलब फ़ौजियों पे बहुत नाज हो, जैसे लगता हो कि दुनिया में हमारा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। वैसे वाकई जहालतपन में तो तुम्हारा कोई मुकाबिल नहीं इस दुनिया में। तो वो लोग इतने नादान, इतने मतलब कैसे हो सकते हैं यार। आपको याद होगा कि इन लोगों ने जो है 2019 में एक टमाटरों वाला गेम खेला था पाकिस्तान के साथ। मतलब इन लोगों ने ये दावा किया था कि हम पाकिस्तान को टमाटर देते थे, अब नहीं देंगे। खैर, हमें उनकी बाजी का रिश्ता नहीं चाहिए। मैं असल में ये कमेंट की बात कर रहा हूँ, ये कमेंट पढ़ें कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था। तो टमाटर तो खैर हमारे पास सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ना भी हो तब भी हम दही से काम चला लेंगे। तो भैया, जब चीन ने इनके सूरवीरों मेरा मतलब शूरवीरों की जो है बेचैनी मिटाई, तो अर्नब गोबर स्वामी, अमीश देवगन और बाकी जितने भी इनके जो मुँहफट जो एंकर हैं, सब भाई चीन के ख़िलाफ़ जो है बातों का स्ट्राइक करने लगे, बस बातें करने लगे। लेकिन भैया, चीन तो हिंदी समझता नहीं, अब चीन क्या करे, चीन से बदला किस तरह लेना। तो भैया, इनके एक गुजरात के मतलब जो हैं शायद कोई वज़ीर हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक ऐसा मतलब प्लान बनाया कि भैया चीन को बहुत बड़ा धचका पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है मैं आपको बताता हूँ। भैया देखें, जब टमाटर देना बंद कर दिया तो अब टमाटर के बगैर तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते थे, ठीक है। तो हमारे टमाटर बंद कर दिए। अब ये कि चीन को तो इनके टमाटरों की ज़रूरत नहीं थी और ना कभी लेता है कुछ इनसे, तो इन लोगों ने सोचा भैया चीन से बदला कैसे लेना है, चलो किसी फिल्म में तो बदला ले लेंगे, वो तो मतलब लेना ही है। भैया तमाम पड़ोसियों से इन लोगों की जब भी कोई मतलब कोई नाराज़गी होती है, कोई लड़ाई झड़ाई होती है, तो ये लोग किसी बॉलीवुड की फिल्म में उनसे बदला लेते हैं। लेकिन भैया, इस वक्त आवाम को चुप कराना है ना, जो बेचारी मासूम, बल्कि आप जाहिल भी कह सकते हैं, जो आवाम है उसको चुप कराना है। मतलब कैसे कराएं, अब ये परेशानी थी बीजेपी लीडर्स के अंदर। फिर सब लोग बैठे भैया कि अब चीन से बदला कैसे लेना है। चीन ने लद्दाख के अंदर गाँव बना दिए, हिमाचल प्रदेश में 101 से ज़्यादा घर बना दिए। अब आवाम जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं वो सवाल कर रहे हैं कि भैया चीन इतनी अंदर मतलब काम कर रहा है, चीन भारत के अंदर उतना तरक्याती काम कर रहा है जितना तो इंडिया का हुकूमत खुद नहीं कर रहा, तो अब चीन से बदला कैसे लेना है, मतलब सवाल करना शुरू हो गए लोग। तो इन लोगों ने सोचा कि हमारे मुल्क में जो ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट तो हमारे मुल्क में भी है, आपने खाया भी होगा, देखा भी होगा। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम, अब क्योंकि चाइनीज़ नाम है, अब हम ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज कर देते हैं। वाह, सलाम है यार, कसम से, सीरियसली सलाम है यार, इतना बड़ा बदला यार इंडिया वाले, इतनी अच्छी अच्छी तदाबीर तुम लोग लाते कहाँ से हो। मतलब यार, अब ड्रैगन फ्रूट का जैसे ही तुम लोग नाम चेंज कर दोगे, चीन को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। वाह जी वाह, सलाम है, सीरियसली सलाम है। ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज कर दिया भाई, और नाम क्या रखा, कामालम। अजीब लोग हो यार तुम लोग। दोस्तों, ये वीडियो देखो, तो वीडियो के बाद में मिलते हैं। డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పేరు మార్చింది గుజరాత్ ప్రభుత్వం. కొంచెం అటు ఇటుగా కమలం పువ్వు ఆకారంలో ఉండే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పేరును కమలం అని మారుస్తున్నట్టు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి విజయ్ రూపాని ప్రకటించారు. డ్రాగన్ అనేది చైనాకు రిలేటెడ్ గా ఉండడం వల్ల దాని పేరును మార్చినట్టు తెలుస్తోంది. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పేరును కమలంగా మార్చడంపై వ్యాపారులు కూడా సంతృప్తిగానే ఉన్నారు. అలా చేయడం వల్ల మన దేశంలో ప్రొడక్షన్ పెరిగి తమకు కూడా అందుబాటు ధరలకు వస్తుందంటున్నారు గుజరాత్ లోని వ్యాపారులు. बहुत अच्छा किया, क्योंकि चाइना का नाम था ड्रैगन फ्रूट का, ज़्यादा बिकता नहीं था, अभी कमलम किया, अपने इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हमको सस्ता भी पड़ेगा और थोड़ा सेल्स भी ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़ा भाव कम होगा। यानी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जो सरकार ने लिया है, बहुत बढ़िया, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। इंडियन नाम रखा जाएगा तो फिर अपने इंडिया के लोग हैं, चाइनीज से वो झगड़ा लड़ाई ये सब दुनिया भर का चल रहा है, तो इससे अच्छा है अपना इंडियन हो जाए तो अच्छा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, मेरा भी धंधा बढ़ेगा और इधर के लोग जो है वे अपने जो बीमार लोग रहते हैं इसको थोड़ा डॉक्टर बता दे खाने को तो अच्छा रहेगा मेरा भी। मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ तुमको इंडियंस, अब क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों ज़ुबान एक जैसी हैं, तो हम जिन चीज़ों का नाम उर्दू में लेते हैं तुम्हारी ज़ुबान में भी उन्हीं चीज़ों का, जैसे हम हाथों को हाथ बोलते हैं ना, तो अब तुम लोग हाथों को पैर बोलना शुरू कर दो, क्योंकि हाथों को हाथ तो पाकिस्तानी बोलते हैं, हम पैरों को पैर बोलते हैं ना, तुम लोग पैरों को सर बोलना शुरू कर दो, क्योंकि उर्दू में पैरों को हम पैर बोलते हैं।
तो यार ये कौन सा तरीका है किसी से बदला लेने का यार, कसम खुदा की मुझे तो तुम लोगों की।